चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं एलआर कंडेंसेशन के मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म तो आपका सिलेबस में ही दिया गया है, लेकिन कैसे प्रोडक्ट बनता है थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म के हेल्प से क्या होगा, आपके एग्जाम में जब भी कोई प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो आप उसको ईजिली आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं, छोटा सा मैकेनिज्म है और जो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे आपका प्रोडक्ट बनता है। तो हम पहला एग्जाम्पल एक ही आपको मैकेनिज्म कराएंगे, इसी चार केस भी आप उसको दीजिए। जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया गया, एथेनॉल लिया गया है। एथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है, एक एथिलीन में। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHOH CH2CHO। ये होगा आपका अल्फा, ये आपका होगा बच्चों बीटा। इसे क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड। जब पेपर में हीट दिया गया, अल्फा स्टैंड के लिए हाइड्रोजन, बीटा स्टैंड के लिए OH, क्या बनेगा, CH3CH डबल बार CH CHO। इसे बोलेंगे अल्फा, इसे क्या बोलेंगे बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब हम मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे क्या लिया गया, CH3, आप उसको क्या बोल सकते हैं, CH2H सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पे सिर्फ एक एल्डिहाइड लिया गया है, अल्फा कार्बन पे है तो एल्डार कंडेंसेशन होगा और सेल्फ एल्डार कंडेंसेशन होगा। किस मीडियम करा रहे हैं, बेसिक मीडियम करा रहे हैं OH। यहाँ पर देखिए जो कार्बन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हमारा कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। माइनस आई क्या करता है, एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाता है। तो बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या है, क्योंकि जो अल्फा वाला कार्बन होता है, एल्डिहाइड से कहे अल्फा वाला कार्बन, बेस हमेशा अल्फा वाले कार्बन से इसलिए लेते हैं क्योंकि अल्फा वाला कार्बन क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। और मैंने बताया चूंकि माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ये जो अल्फा वाला कार्बन है, जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एल्डिहाइड से अटैच अल्फा कार्बन से OH माइनस क्या करेगा, एज ए बेस यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है। यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा तो यहाँ क्या बनेगा, तो CH2 CH बनता है। ये हमारे क्या होता है, अगर आप इसको आगे करके दिखाना हो तो आप समझ लीजिए हमारा रिजोनेंस में चला जाता है। जब ये रिजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 CO-H। देखिए रिजोनेंस में क्या है, इधर गया उधर गया, हमारा रिजोनेंस है। अब यहाँ पे कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन पे भी निगेटिव चार्ज है। लेकिन हम बात करें तो जो कार्बन हो गए, जो कार्बन का निगेटिव चार्ज होता है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होता है किसके, तो रिजन में ऑक्सीजन। अगर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका क्या होगा, फिनॉल फॉर्म बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज, जब आपने इसका रेजोनेटिव बनाया तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे यदि निगेटिव चार्ज है तो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी जो कार्बन वाला होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन के। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बेस में अल्फा कार्बन से प्रोटॉन लेके ये बना लिया। अब सेकंड क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ एल्डार कंडेंसेशन है। तो सेल्फ में क्या होगा, फिर यहाँ पे आप इसके दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल। अब सेकंड में क्या होगा, CH3 CH2 CH। यहाँ पे देखिए फाइल कितना काम करने लगेगा, CH2 CH2 CH। एक चीज बच्चों समझिएगा, आप यहाँ से भी अटैक करा सकते हैं या तो आप सीधे फिर वही रिवर्स आइए, फिर वह आपका सेम होगा, तो ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया CH2 CH2 CH। ये समझिए पहले क्या हुआ, बेस ने एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से प्रोटॉन लेके क्या बना लिया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। और ये हमारा सेल्फ है, यहाँ फर्दर क्या होगा, दो मॉलिक्यूल लेंगे। तो आपने सेकंड के लिए CH3 CH2 CH2
सी डबल कार्बन। ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहां पर टैग करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल कहां पर टैग करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे। यहां तो क्या होगा, कार्बोनिल का कार्बन, ये यहां पर क्या होगा, टैग करेगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर ज्यादा होगा। याद करिए, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो देखिए आपको क्या बन गया, CH3CHO-CH2CH2। देखिए आपका बन गया दोस्तों CH3CHO-, क्योंकि बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे नेगेटिव है, कार्बन यहां पर अटैक किया, CH3CH2O-CH2CH2। फिर यहाँ पर क्या लेंगे आप, H प्लस ले लेंगे। अब जब H प्लस लेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर क्या बन गया, CH3 के H प्लस यहाँ पर आ जाएगा, CH OH CH2 CHO। ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, इसे क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। जब पेपर में क्या दिया गया हो, जो हीट दिया गया हो, हीट दिया गया हो, अल्फा से क्या निकाले एच, बीटा से क्या निकाले OH, और अल्फा बीटा के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर CH3CH2 दिया है, एक ही एल्डिहाइड है, सेम टाइप से दो लेंगे, यहाँ पर हमारा क्या सल्फर डालोगे तो बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड बनेगा। अब मैकेनिज्म मैंने बताया कि आप यहाँ पर आपने इतना लिया, इसके अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बेस यहाँ से प्रोटॉन लिया, क्या बना CH2-CH2, ये हमारा रेजोनेंस देगा, माने ये इधर जाएगा, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हमारा एज न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा। अब यही न्यूक्लियोफाइल जो सेकेंड एल्डिहाइड दिया गया उसके कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखिए ए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बॉन्ड पोलराइज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, इस पे अटैक करके बॉन्ड बना लिया, यहाँ क्या बन गया CH3CH2-CH2CH2, एच प्लस लेके आपका बन गया बीटा हाइड्रोक्सिल। अब जब पेपर में हीट दिया गया तो अल्फा से एच निकालेंगे, बीटा से निकालेंगे, यहाँ बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको आप नोट करिए, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। एक मैकेनिज्म और करा देते हैं, एसीटोन वाला। चलिए जैसे यहां पर आपका एसीटोन का दिया था, इसको समझिए CH3 CH3 पेपर में क्या दिया गया है, OH-, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2 CHO। पेपर में भी हीट दिया गया, इसे बोलेंगे अल्फा, इसे बोलेंगे बीटा, यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH2। पहले इसको नोट करिए आप लोग। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म, एक ही टोन है यहाँ पर सेल्फ होगा, तो पहला क्या होगा समझिएगा, CH3 CH3 यहाँ पे बेस दिया गया, ये भी अल्फा कार्बन, किसी भी अल्फा कार्बन से बेस प्रोटॉन ले लेगा, चलिए यहाँ से बेस प्रोटॉन लेगा, यहाँ क्या बनेगा CH2-CH3 बनेगा। क्लियर हो चुका, ये अगर इसका रिजोनेंस दिखाते हैं, इधर गए, इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2-CO-CH3। क्लियर बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ पर सल्फर डालोगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बना है सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल के कार्बन का अटैक होगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3CO-CH3। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या बना बच्चों, CH2-CH3। ये क्या करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CO-, इसको नीचे कर दीजिए
CH3। ए इस पे अटैक करेगा बच्चों, यहाँ क्या बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड CH3। मीडियम कैसा है इसलिए यहाँ पे H+ ले लेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 COH CH3 CH2 CH2। पेपर में क्या दिया गया हीट, ये होगा डीआई, ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा। अल्फा से निकलेगा एच, बीटा से निकलेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH। सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या होगा कीटो होगा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी। एक बात ये समझिए बच्चों, यहाँ पे स्टोन दिया गया, स्टोन का रिएक्शन यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। सी डबल बॉन्ड ओ CH3 डबल बॉन्ड CH सी डबल बॉन्ड ओ CH3। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों करेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया था, स्टोन दिया गया था, बेसिक मीडियम कराएंगे तो क्या बनेगा बीटा हाइड्रॉक्सिल कीटोन बनेगा CH3 CH3 हो गया CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। यहाँ तक समझ आ रहा होगा, फिर यहाँ अल्फा से हाइड्रोजन बीटा से ओएच क्या बन जाएगा, आपका अल्फा बीटा में सैचुरेटेड कीटोन बनेगा। मैं कहेंगे मैं एक बात देख लीजिए, आप ओएच माइनस से बेस है, यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, क्या बना CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड ओ CH3, आप इसका डेरिवेटिव बनाया तो CH2 डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर माइनस CH3 बन गया। ये आपका जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है आईजी न्यूक्लियोफाइल पर काम करेगा, यहाँ पर क्या हुआ आईजी न्यूक्लियोफाइल पर काम करेगा, क्या बनेगा CH3 C O माइनस CH3 CH2 इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वही बना CH3 CH3 O माइनस CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 H+ एच, यहाँ पे H+ ले लेगा, क्या बन जाएगा अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जब पेपर में हेड दिया गया हो अल्फा से निकलेगा एच, बीटा से निकलेगा ओ एच, और यहाँ पर आप क्या बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। ये होता है बच्चों आपका मैकेनिज्म ऑफ एल्डार कंडेंसेशन, आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।